Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, welcome to a very new segment called Morning Kickoff with AKG, जहाँ पे हम जो है वो पूरे न्यूज इसको कवर करते हैं फुटबॉल के रिलेटेड। आज की खबरों में सबसे पहले आया है कि भाई साहब, रोनाल्डो जो है वो डॉर्टमुंड ज्वाइन कर सकते हैं। डॉर्टमुंड के अंदर जो है वो बातें चल रही हैं रोनाल्डो को साइन करने के लिए, उसके बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ ओबामेयांग टू चेल्सी इज लुकिंग वेरी क्लोज, क्योंकि एक 14 मिलियन का जो है वो बिड किया गया था चेल्सी की तरफ से, जिसको जो है वो बार्सिलोना ने टर्न डाउन कर दिया। तो यहाँ पे नए कुछ रिपोर्ट्स हैं कि नया एक इंप्रूव बिड होने वाला है चेल्सी की तरफ से। साथ ही साथ वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब वेन रूनी के कमेंट्स हैं मेसी और एम्बाप्पे के क्लैश के ऊपर, और काफी ज्यादा सैवेज है, उसके बारे में भी बात करेंगे आज की वीडियो में। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज की सुबह की वीडियो में बताने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन विद भाई साहब, सबसे पहला रोनाल्डो टू डॉर्टमुंड। नाउ दिस माइट बी थोड़ा शॉकिंग टू यू कि रोनाल्डो टू डॉर्टमुंड कैसे हो सकता है। अरे के जी भाई, मतलब कहीं भी आप कह रहे थे, पहले एथलेटिको मैड्रिड बात आ रही थी, चेल्सी बात आ रही थी, यहाँ बात है वहाँ, लेकिन डॉर्टमुंड क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पे भाई साहब ऐसी खबरें निकल के आई हैं कि बाकी सब क्लब्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए थे रोनाल्डो को। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि डॉर्टमुंड में हो सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो चले जाएँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू CBS स्पोर्ट एंड बिल्ड भाई साहब, यहाँ पे जो है वो जॉर्ज मेंडिस को एक ऑफिशियल बिड डॉर्टमुंड की तरफ से देने का बात अभी चल रहा है, इंटरनल टॉक्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी, विल यू नो दे विल बी पुशिंग अहेड फॉर रोनाल्डो और नॉट। अब ये ट्रांसफर जो है वो दोनों चीजों में हो सकता है, एक परमानेंट ट्रांसफर भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो दैट रोनाल्डो विल बी एक्सेप्टिंग टू मूव टू डॉर्टमुंड, बिकॉज डॉर्टमुंड एक यू नो उतना बड़ा लेवल ऑफ अ क्लब नहीं है, विच आई पर्टिकुलरली थिंक यूरोप में, ठीक है, मतलब बुरा मत मारना अगर कोई डॉर्टमुंड फैंस देख रहा है। तो मतलब अगर आप रोनाल्डो के एज वाले प्लेयर के लिए जाने के लिए, जहां वो स्टेबिलिटी खोज रहे हैं, अगर उनको इंस्टेबिलिटी चाहिए तो भैया वो इंटरनेट में ही रह सकते हैं, लेकिन UCL में अगर स्टेबिलिटी खोज रहे हैं तो बायर्न जैसी टीम हो गई वहां जाएंगे, फिर वो बात थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी। इट विल बी लाइक एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो UCL खेलने वाली है। तो मेरे को नहीं लगता कि रोनाल्डो जाएंगे डॉर्टमुंड, बट हाँ ऐसी खबर के निकल के आई है कि अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ते हैं तो UCL में एक टीम जो शायद जो है वो कर सकती है काम उनके लिए, और वो है डॉर्टमुंड। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो डॉर्टमुंड का क्या प्रोग्राम बनता है भाई साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। मेरे को नहीं लगता होने वाला है, बट देखते हैं क्या होगा। मार्केट में था न्यूज़ तो मैंने आपको जो है वो बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओबामेयांग टू चेल्सी। तो आपको अगर नहीं पता, तो बार्सिलोना जो है वो ऑफलोड करना चाह रही है अपने कई सारे प्लेयर्स को। उन प्लेयर्स का नाम मेम्फिस डिपाय, ओबामेयांग, उमटीटी, ब्रेटवेट और वगैरह वगैरह है, बट ओबामेयांग जो है वो अब हो सकता है कि चेल्सी जाते हुए नजर आ जाए, क्योंकि ऐसी खबर निकल के आई है कि भाई साहब चेल्सी जो है वो पहले बिड करी थी 14 मिलियन का ओबामेयांग के लिए, लेकिन जो है वो बार्सिलोना ने इसको टर्न डाउन कर दिया, बोले बहुत कम है, छोटे, थोड़ा सा अपना जो है वो दाम बढ़ा। तो यहाँ पे जो है एक नई मीटिंग हुई है भाई साहब दोनों टीम के ऑफिशियल्स के बीच में, और उस मीटिंग में जो है वो दोनों टीम्स ने एक्सप्रेस किया है कि हाँ, चेल्सी ने एक्सप्रेस किया कि हम लेना चाहते हैं, बार्सिलोना ने एक्सप्रेस किया है कि हम देना चाहते हैं। तो एक मतलब ऐसे एक वर्बल जो है वो बात निकल के आए कि देखें 24 मिलियन तक अगर आप मीट करोगे ना तो हम लोग बेच सकते हैं बार्सिलोना वालों की तरफ से, और चेल्सी वाले लोगों की भी तरफ से जो है वो एक अच्छा जो है वो एक मैं कह सकता हूँ कि वाइब नज़र आया है, मेरे को यार वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, एक वाइब भी जो है वो नज़र आया है भाई साहब कि हाँ ठीक है, यू नो देखते हैं हो जाएगा टाइप से। तो हो सकता है कि ओबामेयांग टू चेल्सी आपको आने वाले एक आध दो दिन में जो है वो देखने को मिल जाए, बिकॉज दिस डील इज़ गोना बी वेरी गुड फॉर बार्सिलोना एज वेल एंड चेल्सी एज वेल। देखें चेल्सी जो है वो स्ट्राइकर की नीड में, वो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, और बार्सिलोना जो है वो नीड में अपने प्लेयर्स को जो है वो ऑफलोड करने के लिए। डिपाय एंड ओबामेयांग दोनों को एट द सेम टाइम बेच देना वुड नॉट मेक सेंस। डिपाय को रखना एंड ओबामेयांग को बेचना, मेरे नज़र में ऐसा बार्सा फैन, इस मेकिंग थोड़ा सेंस, क्योंकि ओबामेयांग की एज काफ़ी ज़्यादा है, 33 मेरे ख्याल से, एंड 33 ईयर ओल्ड के लिए 24 मिलियन अभी की सिचुएशन में मिल जाए, इट्स फार बेटर देन यू नो अगर एक आध दो साल रुक करके अपन उसको बेचेंगे तो वी वोंट बी गेटिंग 24 to 25 मिलियन फॉर ओबामेयांग। रेदर यू नो लेट्स स्टिक विद मेम्फिस डिपाय, आने वाले साल में हो सकता है उसका वैल्यू बढ़ जाए, बिकॉज ही इज ओनली 27-26। देखते हैं आगे जो है उसका नाम बढ़ेगा तब अपन इसको बेच सकते हैं, अभी फ्री ट्रांसफर में यूवेंटस को जाने देना इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी। सो ओबामेयांग टू चेल्सी, हो सकता है कि तुमको कुछ दिन में जो है वो देखने को मिल जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब दिस गजब का कमेंट फ्रॉम वेन रूनी इस एम्बापे एंड मेसी की सागा में। भाई साहब रूनी ना मेरा फेवरेट प्लेयर हुआ करता था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, मैंने रोनाल्डो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला फेस नहीं देखा है उतना, मैंने जो देखा है यूनाइटेड मेरे लिए वेन रूनी हो गया करती थी। एक प्लेयर से आप रिसेंबल करते थे ना मैन यूनाइटेड को, जैसे मैं रूनी से रिसेंबल करता था, मैं बार्सिलोना को मैसी से रिसेंबल करता था, रियल मैड्रिड को जो है वो मैं रोनाल्डो से रिसेंबल करता, तो मेरे लिए यूनाइटेड का द मेन गाय वाज रूनी ऑलवेज। एंड रूनी की तरफ से ये कमेंट आता है कि भाई एम्बापे को जो है ना
थोड़ा सा समझा दो, ठीक है। वो जो धक्का का मार रहा है भाई साहब लियो मेसी को, ये मैं बहुत ज़्यादा जो है इतना ईगो वाला प्लेयर मैंने आज तक 23 साल की उम्र में नहीं देखा है। और किसी ने कोई किसी को ये बताने की ज़रूरत है एम्बापे को कि 23 साल में भाई साहब लियो मेसी के पास 3 बैलेंडोर थे, ठीक है। तो एम्बापे को बोला थोड़ा सा औकात में रहे, ऐसा वेन रूनी जो है वो भाई साहब एक इंटरव्यू में बोलते हैं विच इज़ वेरी सैवेज फ्रॉम वेन रूनी। एंड दिस इज वॉट यू नो फैंस का कहना है इज़ वेल, यू नो कि आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा नेमार को, मेसी को। और 23 साल का लौंडा है एम्बापे, उसको थोड़ा सा समझाना जरूरी है कि क्या है। मैंने एक एम्बापे वाले सागे के ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो बना करके रखी है, यू कैन गो हेड एंड चेक इट आउट। मैं आपको एंड स्क्रीन में भी वीडियो दे दूंगा, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, कार्ड में भी आ रहा होगा, आप जाके जरूर चेकआउट करना, उसमें मेरा क्या जो है वो ओपिनियन है। अगली खबर है भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड और कैसेमीरो की। देखें भाई साहब, मैंने एक टोटल वीडियो बना करके आपको रात को 7 बजे दे दी थी कैसेमीरो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, जहां मैंने दोनों क्लब के लिए कैसा होगा एक अच्छा एनालिसिस किया, तो अगर आप मिस करें तो वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी की रिपोर्ट्स की बनूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी सीरियस फॉर यू नो साइनिंग कैसेमीरो। और यहां पे मैन यूनाइटेड ने एक चाल खेला है इसको साइन करने के लिए। चाल ऐसा खेला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक ऑफिशियल बिड नहीं डाल रही है कैसेमीरो के लिए, मैन यूनाइटेड जो है ना वो तिगड़म भिड़ा रही है भाई साहब कैसेमीरो को साइन करने के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दी है कैसेमीरो को, जो बहुत ही ज्यादा जो है वो कैसेमीरो को अट्रैक्ट कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करने के लिए। 11 मिलियन जो है वो रियल मैड्रिड में अभी कैसेमीरो कमाता है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसेमीरो को कम से कम नहीं तो 16 से 19 मिलियन के बीच में जो है वो फिगर देने के लिए पर साल रेडी है। इतना ज्यादा वेज में हाइक करके कैसेमीरो को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं, और कैसेमीरो को जो है वो कहना चाह रहे हैं कि तू जा करके रियल मैड्रिड से बात कर और बोल कि मेरे को जो है वो एग्जिट करें आप क्लब से। तो यहां पे कैसेमीरो के थ्रू रियल मैड्रिड को जो है वो मनाना चाह रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई साहब कैसेमीरो के लिए। तो ये जो तिगड़म है ना, ये सेम पिछले सीजन भी एक क्लब जो है वो लुका मॉड्रिच के साथ करने की कोशिश कर चुकी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो कौन सी क्लब थी, लेकिन वो कर चुकी थी, लेकिन वो फेल हो गए थे, ठीक है। तो क्या पता ये अब काम करेगा कि नहीं करेगा। और अगर मैं फैब्रिजियो की मान लूं तो फैब्रिजियो भी ये कह रहा है कि कैसेमीरो विल हैव अ कन्वर्सेशन विद कार्लो एंचेलोटी इन नेक्स्ट आवर्स टू डिस्कस हिज फ्यूचर एज मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रपोजल रिसीव्ड यस्टरडे इज टेम्प्टिंग हिम। मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसीव्ड 0 न्यू सिग्नल्स फॉर फ्रेंकी डी योंग साइड इन लास्ट मंथ, नथिंग हैज चेंज्ड। फ्रेंकी डी योंग का डील कोलैप्स हो चुका है, नाउ दे आर प्रोग्रेसिंग कैसेमीरो की डील, एंड इनडायरेक्टली जो है वो रियल मैड्रिड से तिगड़म करके जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसेमीरो को साइन करने के लिए। देखिए ऑल्सो भाई साहब, ये वीडियो एडिट करते करते देखो एक खबर निकल के आई कि ये डील आगे बढ़ रही है भैया, दोनों जो है वो क्लब और प्लेयर के बीच में प्रोग्रेस में है। मैनचेस्टर यूनाइटेड कंटिन्यू करेगी डॉक्स को भाई साहब रियल मैड्रिड के साथ फ्राइडे को, और एक डिसीजन में पहुंचेंगे। और एक खबर जो निकल के आई थी कि डबल वेजेस देने वाले हैं, डबल तो नहीं लेकिन ज्यादा देने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड करंट सैलरी से। तो यहां पे ये खबर जो है फैब्रिजियो कंफर्म भी कर रहा है दोबारा ये ट्वीट करके, यानी कि हियर वी गो सून हो सकता है यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी ऐसा कुछ माहौल तो जमाया नहीं है ट्रांसफर मार्केट में। एक चीज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रही है ना, और वो है गजब की जो है वो खबरें निकाल करके देना। अब देखें रोनाल्डो वाला भी कैसे एंड होगा वी रियली डोंट नो, कैसेमीरो वाला भी कैसे एंड होगा वी रियली डोंट नो, फ्रेंकी डी योंग वाला तो कैसे एंड होगा वो अभी भी नहीं पता। क्या पता फ्रेंकी डी योंग कैसे चेल्सी भी जा सकता है, यूनाइटेड भी जा सकता है, अभी भी नहीं पता। आखिरी खबर ऑफ द डे के बारे में बात कर लेते हैं। पुलिसिच को जो है वो यूनाइटेड एज अ लोन में लेना चाह रही है। पुलिसिच चेल्सी में उतने ज्यादा गेम टाइम जो है वो नहीं खेल पाए हैं थॉमस टुचेल के अंदर, तो वो भी हो जाए, वो भी हो सकता है भाई साहब इस लोन मूव को कंसिडर करने के ऊपर नजर डाले, क्योंकि अटैकिंग में उतनी ज्यादा ऑप्शन नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। तो पुलिसिच टू मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हो सकता है लोन मूव, बट आई डोंट थिंक सो दैट चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड को पुलिसिच देगी, वो अपने पास ही रखे रहेंगे या फिर देखेंगे क्या करना है पुलिसिच का, बट यूनाइटेड में तो नहीं भेजेगी भैया चेल्सी पुलिसिच को, ये मेरा मानना है। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है। तो यही थी आज की खबरें भाई साहब। अब आपको डेली जो है वो सुबह आपके कॉलेज ऑफिस या फिर जो है वो काम में जाने से पहले फुटबॉल की न्यूज राउंड अप मिल जाएगी मेरे तरफ से, जिसको अपन कह रहे हैं मॉर्निंग किक ऑफ विद एके जी। अब ये सेगमेंट को मैंने इसलिए भी बनाया क्योंकि मेरा भी कॉलेज है यार, तो मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा शूट वगैरह करने के लिए, क्योंकि कॉलेज वापस से चालू हो चुका है और पढ़ाई लिखाई में फिर से भिड़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज आशीष के सरिंग और बेटे केयर पीस। भाई साहब जय हिंद, और आई होप सो आपका दिन चल जाए भाई आज।